कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस मामले में क्या कहेंगे आप, आपकी क्या प्रतिक्रिया? महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई, और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृहमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को इसका इत्तला नहीं दी गई, और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्र जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।